एक खुशी का पल भी है, दुख का पल भी है। खुशी का पल इसलिए है कि ये अब एक क्लास आगे जा रहे हैं, अपने नई ऊर्जा के साथ नई क्लास में प्रवेश लेने के लिए जा रहे हैं। दुख का पल इसलिए है कि ये हम सबको यहाँ से अब छोड़ के जा रहे हैं। आप सभी की यहाँ से काफी यादें जुड़ी हुई हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो यहाँ एडमिशन एलकेजी से ले लिया था, यूकेजी प्रेप फर्स्ट क्लास में एडमिशन, यानी आपके लिए लगभग 10-12 साल इस स्कूल में आपने अपना बिताया है, अपना बचपन बिताया है। आप सभी के लिए एक बहुत ही भावुक क्षण है, लेकिन जीवन का एक दस्तूर है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। आप सभी के यहाँ से कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें जुड़ी हुई है। मीठी यादें ये कि यहाँ से आपने कुछ रैंक हासिल की, यहाँ आपने अच्छे दोस्त बनाए, यहाँ आपने अपना एक अच्छा पल बिताया। कुछ खट्टी यादें भी हैं, कुछ टीचर से आपने चाटा भी खाया है, कुछ टीचर से आपने डांट भी खाई है, तो ये सब पल आपने यहाँ अच्छे से बिताए हैं, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना ही होगा। आप सभी नई क्लास में जाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ आपके लिए मैं छोटी मोटी जो आपके जीवन को प्रेरित करने वाली आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। आपके हर टीचर के साथ कुछ यादें हैं, हर टीचर के साथ आपका एक लगाव है, कुछ टीचर के साथ आपका लगा है कि हाँ इसने मुझे कल चांटा मारा था, तो उसके साथ आपका 36 का भी आंकड़ा है। लेकिन कोई भी टीचर आपको चाहे डांट लगाता है, चाहे आपको वो किसी भी माध्यम से आपको कुछ कड़वी बातें बोलता है, ये सब एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में कभी कभी आपको चांटा लगाना ही पड़ता है। तो मैं आप सभी से जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो जा रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि ये द्वेष भावना, ये ईर्ष्या जो भी आपकी थी हम सभी टीचर के प्रति, उसको आप यहीं छोड़ देना, क्योंकि अगर हम आपको कुछ डांट रहे हैं या चांटा लगा रहे हैं तो वो सब आपके पहले के लिए ही था। हमारी पर्टिकुलर आपसे कोई भी ऐसी कोई नहीं था, चाहे आप हमें पीछे से कुछ भी बोलिए, लेकिन ये एक पढ़ाई का प्रक्रिया थी। स्कूल में बच्चे